हेलो एवरीवन, मैं सुरेश स्वदेशी। आज का वीडियो जो बनाया गया है वो है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास सेवेंथ चैप्टर टू न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। तो इस अध्याय में जो है मिडाइवल पीरियड के बारे में बात की गई है, पर्टिकुलरली मध्यकाल जिसे हम हिंदी में बात करते हैं मिडाइवल पीरियड। तो उस समय कौन से नए किंग्स हुए, कौन कौन सी न्यू डायनेस्टीज इंडिया में एस्टेब्लिश हुई और कौन कौन सी किंगडम्स एस्टेब्लिश हुई, उनके बारे में इसमें बात की गई है। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ बातें जानने के लिए वीडियो का जो फैक्ट डिस्क्रिप्शन है वो स्टार्ट करते हैं। मेन फैक्ट्स और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो इसमें डिस्कस किए गए हैं, उस पर पहुँचने से ठीक पहले हम इसमें जो की टर्म्स हैं, मुख्य जो शब्दावली यूज हुई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सामंताज। सामंत जो है ये राजा के असिस्टेंट्स हुआ करते थे। द सबॉर्डिनेट्स ऑफ किंग्स और ओवरलॉर्ड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। ओवरलॉर्ड्स और किंग्स जो थे उनके सबॉर्डिनेट्स थे, मींस वो अपने अंडर में कुछ सबॉर्डिनेट रखते थे जो उनकी एवज में आर्मी को मेंटेन रखते थे, किंग को जो है रेवेन्यू कलेक्ट करके पहुंचाते थे, और जब भी राजा को या ओवरलोड को या किंग को आवश्यकता होती थी वो उसके लिए आर्मी लेकर के लड़ने के लिए भी तैयार रहते थे। तो इनको सामंत कहा जाता था। ये सामंताज हिंदी की टर्म है जिसे इंग्लिश में यूज किया गया है, सामंताज। महासामंता और महामंडलेश्वर, एक और टर्म जो यूज हुई है, महासामंता और महामंडलेश्वर। इसका मीन क्या है? सामंता जो गेन पावर एंड वेल्थ डिक्लेयर देमसेल्व्स महाबलेश्वर, महामंडलेश्वर और महासामंताज, आई द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन। जो सामंत पावरफुल हो जाते थे या जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठी हो जाती थी, वो अपने आप को महाबलेश्वर या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे, या फिर अपने आप को महासामंत कहा करते थे। और ये जिसका अर्थ ये होता है, महासामंत का अर्थ होता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन, किसी परिक्षेत्र या किसी एरिया का जो है बड़ा लॉर्ड या नेता। महाराजा अधिराजा एक जो थी टाइटल हुआ करता था जो किंग्स ने लिया, हाई साउंडिंग टाइटल यूज बाय द ग्रेट किंग ओवरलॉर्ड। त्रिभुवन चक्रवर्ती जो था वो भी एक दूसरी टाइटल हुआ करती थी जिसका अर्थ होता था लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, अर्थात तीनों लोकों का स्वामी, त्रिभुवन चक्रवर्ती। तो महाराजा अधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये किंग्स के द्वारा जो टाइटल्स लिए गए या अडॉप्ट किए गए उनके नाम हैं। रेंट, द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट द प्रोड्यूसर्स द पीजेंट्स द कैटल कीपर्स आर्टिजंस वर कंपेल्ड टू पे टू द लॉर्ड्स। ये किराया होता था जिसका जो कि प्रोड्यूसर जो थे, जिनमें पीजेंट्स है, किसान, कैटल कीपर्स थे या आर्टिजंस थे, उनको राजा को देना होता था। रेवेन्यू, द टैक्स ट्रेडर्स हैड टू पे टू देयर लॉर्ड्स। रेवेन्यू जो था एक और टर्म है जिसका मतलब है कि जो ट्रेडर्स होते थे उनको टैक्स पे करना होता था राजा को या किंग को या लॉर्ड को। प्रशस्तीज, A literary composition often in verse written in praise of ruler depicting him as a valiant victorious warrior. राजा की प्रशंसा में लिखा हुआ जो तारीफ में जो कुछ लिखा जाता था और उसमें राजा को बहादुर विजेता योद्धा घोषित किया जाता था, उसे प्रशस्ति कहा जाता था, अर्थात राजा की प्रशंसा में लिखा हुआ लेख। It was mainly done by the brahmanas who were often rewarded by grants of land for such jobs. ऐसा काम जो है जनरली ब्राह्मण जो थे वो किया करते थे और इसके एवज में राजा जो है उनको इस कार्य के एवज में उनको लैंड ग्रांट्स भी दिया करते थे। This reward was recorded on copper plates and given to those who received the land. ये जो रिवॉर्ड दिए जाते थे ब्राह्मणों को खास करके, तो वो ये कॉपर प्लेट्स पे लिख के दिए जाते थे और जिसको लैंड ग्रांट की जाती थी उसे को दिया जाता था। सुल्तान, अरेबिक टर्म यूज फॉर द रूलर, शासक के लिए अरेबिक लैंग्वेज में यूज किया गया या अरेबिक भाषा में बोला गया शब्द है सुल्तान। उर, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, गांवों का जो किसानों का जो सेटलमेंट्स था या गांव थे या उनका जो निवास स्थान हुआ करता था उसे उर कहा जाता था। नाडू,
ग्रुप ऑफ उर्स आई ई विलेजेस फॉर्म्ड ए लार्ज यूनिट कॉल्ड नाडू, बहुत सारे गांवों को मिला करके उसे नाडू कहा जाता था। ब्रह्मदेय द लैंड गिवन टू द ब्राह्मणास एज ए ग्रांट, अर्थात ब्राह्मणों को जो जमीन दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। वेलन बगई द लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मणा पीजेंट प्रोपराइटर्स, अर्थात गैर ब्राह्मण जाति के जो लोग थे जिनके पास जमीन थी उन्हें वेलन बगई कहा जाता था। शाल भोग द लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल, शाला भोग किसी स्कूल के रखरखाव के लिए जो लैंड ग्रांट में दी जाती थी उसे शाला भोग कहा जाता था। देवदान और तिरुन मत्तुकनी या देवदान, ये थी टेंपल्स को जो लैंड ग्रांट दी जाती थी उसे कहा जाता था। पल्ली चंदम द लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, जो जैन संस्थान थे उनको दी गई भूमि, उनको दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था, पल्ली चंदनम चंदम। नगरम्स एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों के जो संघ थे उनको नगरम्स कहा जाता था। सभा ब्राह्मणों की एक असेंबली जिसे सभा के नाम से जाना जाता था। तो ये थे कुछ की टर्म्स जो हमने देखी और इस चैप्टर में डिस्कस हुई है। की फैक्ट्स की बात करते हैं कि इस चैप्टर में किन किन बातों को डिस्क्राइब किया गया है। तो द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उदय, अर्थात इस मिडाइवल पीरियड में 7th to 12th centuries में के बीच का जो पीरियड था उस पीरियड में बहुत सारी नई डायनेस्टीज, नए राजवंश या नए वंश जो हैं वो विकसित हुए या सामने आए जिनका हमें इसमें अध्ययन करना है, स्टडी करना है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7th and 12th centuries मेनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, सबकॉन्टिनेंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप। अगर हम इस मैप में बात करें तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे हैं जो अरब्स ऑफ मुल्तान, जैसे मुल्तान में अरब थे, मंसूराह में अरब शासक थे, उसके अलावा गुर्जर प्रतिहार आप यहाँ देख रहे हैं दिल्ली के आसपास और अजमेर वाला क्षेत्र, वहाँ पर चाहमान डायनेस्टी है, उसके अलावा चंदेलाज हैं जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो निचला भाग था वहाँ पर हैं। उसके अलावा अगर हम दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और कर्नाटका के आसपास चलते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, मान्यखेट इनकी कैपिटल थी। उसके अलावा अगर साउथ इंडिया में चलते हैं तो चोला चेराज एंड पांड्यास ये डायनेस्टी थी, इधर कलिंगा डायनेस्टी है, गंगास है, उत्कल जो है जगह है, और इधर कामरूप में भी एक डायनेस्टी थी। तो ये आप देख रहे हैं ये 7th to 12th century के जो है डिफरेंट डायनेस्टीज यहाँ पर हैं। The new rulers were previously the big landlords or warriors working under the existing kings as subordinates or samantas. जो नए rulers emerge करके आए या जो सामने आए देखिए विकसित हुए powerful बने वो generally बड़े landlord ही थे या नए जो बड़े योद्धा थे जो कि पहले किसी राजा के शासक में ही उसके अधीनस्थ बन के या सामंत के रूप में काम कर रहे थे। बाद में जब ये अधिक शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और नए राजवंशों की स्थापना की। They gradually gained power and wealth and thereafter declared themselves to be Mahasamanta, Mahamandaleshwara, the great lord of the circle or region. They were now independent lords. तो हम बात कर ही रहे हैं कि इन्होंने धीरे धीरे करके इतनी पावर और वेल्थ कलेक्ट कर ली कि बाद में इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इन्होंने अपने आप को महासामंता महामंडलेश्वर कहा जिसका अर्थ था ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल, और अब ये इंडिपेंडेंट रूलर्स के रूप में शासन कर रहे थे। ये जो है आप देख ही रहे हैं ये वॉल रिलीफ है जो कि केव नंबर 15 है, एलोरा जो कि केव पेंटिंग्स है वहां का, तो ये इस चैप्टर में दिया हुआ है। दे वर एक्सपेक्टेड, हम महासामंता की बात करें जो बाद में इन्होंने नई डायनेस्टीज की स्थापना की उन्हीं की बात करें तो दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग gifts for the kings or overlords and provide them with military support. ये जो थे ये राजाओं को गिफ्ट देते थे, उनको जो है मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। द मेन रूलिंग डायनेस्टीज वर गुर्जर प्रतिहारास पालाज राष्ट्रकूटाज एंड चामानाज इन नॉर्थ इंडिया एंड द चोलाज पांड्याज चालुक्याज इन साउथ इंडिया। तो ये जो उस समय के 7th to 12th centuries 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो न्यू डायनेस्टीज आए रूलिंग डायनेस्टीज वो थे गुर्जर प्रतिहार पालाज राष्ट्रकूटास
चहमांस ये नॉर्थ इंडिया में थे, इसके अलावा चोलाज, पांड्याज एंड चालुक्याज इन साउथ इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, इन जो राज्य थे इनमें शासन कैसा था। द किंग्स एट अपेक्स अडॉप्टेड बिग टाइटल्स लाइक महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग ओवर लॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। इस समय के जो शासक थे उन्होंने बड़े बड़े टाइटल्स अडॉप्ट किए, जैसे कि महाराजा अधिराज अर्थात ग्रेट किंग या ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, और त्रिभुवन चक्रवर्ती जिसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स अर्थात तीनों लोगों का स्वामी, और इसी प्रकार की बड़ी बड़ी उपाधियां इन्होंने धारण की। द किंग शेयर्ड पावर विद द सामंताज एंड विद एन एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणाज। ये जो शासक थे इन्होंने अपनी पावर जो है सामंताज, सामंतों और पीजेंट्स, व्यापारी, ट्रेडर्स और ब्राह्मणों के साथ शेयर की। रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स हु वर पर्सुएडेड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। और जो ये इस बात के रिसोर्सेज हमको प्राप्त होते हैं कि इन लोगों ने जो प्रोड्यूसर्स थे अर्थात जो उत्पादक समूह हुआ करता था, जिसमें पीजेंट्स हैं, हर्डर्स थे, कैटल रियरर्स थे, उनसे एक पार्ट जो है टैक्स के रूप में लिया करते थे। दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट एंड कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। ये जो पैसा या रिसोर्सेज ये राजा लोग या किंग्स जो प्रोड्यूसर्स से लेते थे, उस पैसे का जो है राजा अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए या फिर टेम्पल्स और फोर्ट्स बनाने में यूज किया करते थे। फंक्शनरीज ऑफ फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। ये रेवेन्यू कलेक्शन का एक बड़ा काम इन राजाओं के शासन में हुआ। तो ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करने के लिए जो लोग रिक्रूट किए जाते थे, भर्ती किए जाते थे, वो सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों से ही होते थे। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति जो राजा की तारीफ में लिखा गया पत्र या लेख, और लैंड ग्रांट्स जो लोगों को भूमि दान दिया गया, चाहे वो टेम्पल्स को दिया गया, चाहे ब्राह्मणों को, चाहे जैन संस्थानों को, चाहे स्कूल्स को, शालाओं को, उन सबको जो है क्या क्या कहा जाता था, कैसे वो दी जाती थी। प्रशस्तीज टेल अस अब हाउ रूलर्स वॉन्टेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज वैलियंट एंड विक्टोरियस वॉरियर। राजा अपने आप को शक्तिशाली, बहादुर और विजेता घोषित करने के लिए जो है प्रशस्तियां लिखवाया करते थे। ये आप देख पा रहे हैं, ये कॉपर प्लेट्स पे लिखी हुई कुछ जो है एनग्रेविंग्स हैं, जो कि लैंड ग्रांट्स और उनके लिखे हुए देते थे, और ये दे करके जिसको ग्रांट दी जाती थी उसको हैंड ओवर किया जाता था। और ये आप प्रशस्ति देख सकते हैं यहाँ से। द किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मणास बाई ग्रांट ऑफ लैंड। किंग्स जो है ब्राह्मणों को विशेष रूप से जो है प्रशस्तियां प्रदान करते थे, और सॉरी उनको लैंड्स जो है भूमि दान किया करते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स व्हिच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। और ये जो ग्रांट दी जाती थी उसका डिस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट्स पे होता था, जो आप देख पा रहे हैं, और ये फिर जो रिसीव करता था लैंड उसको दे दी जाती थी। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, पैसे के लिए लड़ाइयां, युद्ध जो है उसके बारे में कुछ बातें हैं। फॉर सेंचुरीज गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज एंड पाला डायनेस्टीज फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। कन्नौज बड़ा ही फर्टाइल लैंड हुआ करता था, क्योंकि ये गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र था, जहां पर कृषि जो है काफी विकसित अवस्था में, डेवलप्ड कंडीशंस में पाई जाती थी। और इस परिक्षेत्र पे, इस क्षेत्र पे अधिकार करने के लिए तकरीबन 3 सेंचुरीज तक जो है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश जो थे, पाल वंश जो था, उनके बीच में युद्ध चला। द लॉन्ग ग्रांड कन्फ्लिक्ट इज नोन एज द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इसमें 3 पार्टीज थी, 1 गुर्जर प्रतिहार, द 2nd राष्ट्रकूटा एंड 3rd पालाज। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी रेडेड द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स बिटवीन AD 1000 AD 2025। गजनी के जो शासक था, गजनी का जो शासक था सुल्तान महमूद या महमूद गजनी के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी के बीच लगभग 17 टाइम्स अटैक किया। His sole purpose was to plunder the wealth of India। और उसके आक्रमणों का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत के से धन लूट के ले जाना था। He looted temples like Somnath,
गुजरात महमूद महमूद इंटरेस्टेड ए स्कॉलर नेम्ड अल बिरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसने जो है जो सोमनाथ जो कि गुजरात का फेमस शिव मंदिर है वहां पर अटैक किया और वहां से काफी धन लूटा। महमूद जो था गजनवी, उसने एक उसके साथ एक इतिहासकार था अलबर बिरूनी जो जिसपे उसको विश्वास था, और उसने उसके साथ भारत के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये अरब सागर के तट पर जो है गुजरात के सोमनाथ में जो है सोमनाथ का मंदिर जिसको महमूद गजनवी ने लूटा वो मंदिर। अदर किंग्स एंगेज्ड इन वॉरफेयर वर चौहान हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। ये जो वॉरफेयर था वेल्थ के लिए, इसमें जो अन्य शासक शामिल थे उनमें दिल्ली या और दिल्ली तथा अजमेर का जो चौहान शासक था, चौहान राजवंश जो था वो भी शामिल रहा, उसके शासक भी इसमें शामिल हुए। चौहान्स वर एंगेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद चालुकिया ऑफ गुजरात एंड द गढ़वालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। चौहान शासकों की जो लड़ाई चली वो सामान्य रूप से जो है गुजरात के चालुक्य वंश और जो वेस्टर्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो गहडवाल राजवंश था उसके साथ रहा। पृथ्वीराज थर्ड वॉज ए पॉपुलर चौहान रूलर हु डिफीटेड अफगान रूलर गोरी मोहम्मद गोरी इन 1191 बट लॉस्ट टू हिम इन 1192। चौहान डायनेस्टी के जो शासकों की बात करें तो उसमें सबसे जो प्रसिद्ध शासक हुआ वो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज थर्ड, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी हम जानते हैं वो था। और उसने जो अफगान शासक था गोरी मोहम्मद गोरी उसको 1191 ईस्वी में 1191 AD में तराइन की जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें उसको हराया। लेकिन अगले ही वर्ष दोनों के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया, हराया, पराजित किया। ये आप पृथ्वीराज चौहान का इमेज देख सकते हैं। चोलाज, ये हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में एक फेमस डायनेस्टी थी जिसका जो था चोला डायनेस्टी, चोल राजवंश। चोलाज वर फ्रॉम ए स्मॉल फैमिली ऑफ उरेयुर, ये एक उरेयुर का छोटा सा परिवार था। द सक्सेसर्स ऑफ विजयालय कंक्वर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर। विजयालय जो इनका शासक हुआ एक, तो उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीता और धीरे धीरे करके ये जो राजवंश था इनका साम्राज्य था वो बड़ा होता गया। ये चौहान डायनेस्टी है, चौहान डायनेस्टी आप देख पा रहे हैं, ये चोलाज लिखा हुआ है, तो ये दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन्होंने कवर किया था। राजराज फर्स्ट वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द दीज एरियाज। चोला डायनेस्टी के शासकों की बात करें तो उसमें राजराज प्रथम जो था वो काफी पावरफुल शासक हुआ और उसने आसपास के क्षेत्रों पे जो है चोल राजवंश का आधिपत्य या कंट्रोल स्थापित किया। राजराज के पुत्र जो थे हिज सन राजेंद्र फर्स्ट कंक्वर्ड श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। राजेंद्र प्रथम जो कि राजराज प्रथम का पुत्र था उसने श्रीलंका को जीता और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज को भी अपने अधिकार में लिया। चोलाज व बिग टेंपल बिल्डर्स, टू फेमस टेंपल्स वर इन तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलपुरम। चोल राजवंश जो है इसके शासकों को मंदिर बनाने का बड़ा जुनून था, ये काफी अच्छे मंदिर स्थापत्य के शौकीन थे और इन्होंने जो है इन शासकों ने दो प्रसिद्ध मंदिर बनवाए जिनमें एक तंजावुर में है और दूसरा गंगईकोंडा चोलपुरम में स्थापित है। ये दोनों मंदिरों की आप इमेज देख सकते हैं। एग्रीकल्चर वॉज वेल डेवलप्ड अलोंग विद वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इस चोला डायनेस्टी के बात करें तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर भी अच्छी कंडीशन में थी और इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था भी इन्होंने की हुई थी, शासकों की तरफ से सिंचाई की व्यवस्थाएं की गई थी। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स कोल्ड और बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चर। पीजेंट्स के जो सेटलमेंट्स थे वो भी काफी समृद्ध हुए और उन्होंने जो है इरिगेशन को फैलाया। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। चोला राजवंश में जो प्रशासन था वहां पर जो गांव की समिति या काउंसिल हुआ करती थी, सभा होती थी, वो जो नाडू जो हुआ करते थे वो काफी सारे प्रशासनिक कार्यों को संपादित करते थे।
Associations of traders are known as nagrams are also performed administrative functions in the town. अगर कस्बों की बात करें तो वहां पर जो व्यापारियों की ट्रेडर्स की जो कमिटीज होती थी ग्रुप्स होते थे जिन्हें नगरम कहा जाता था ये भी बहुत सारे प्रशासनिक कार्य करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कंडक्ट करते थे. इंस्क्रिप्शंस आल्सो मेंशनड अबाउट सभा जो लेख हैं अभिलेख हैं इंस्क्रिप्शंस हैं वहां से सभा के बारे में भी जानकारी मिलती है. द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स गार्डन्स टेम्पल्स एक्सेट्रा. सभा की कई सारी समितियां होती थी जो अलग अलग कार्यों को संपादित करती थी जैसे कि इरिगेशन वर्क सिंचाई के कार्य गार्डन्स और मंदिरों की देखभाल टेम्पल्स की देखभाल एटसेट्रा. दंती दुर्ग एराष्ट्रकुटा चीफ ओवरथ्रू चालुक्य ओवरलोड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल नोन एज हिरण्य गर्भ लिटरली द गोल्डन वूम्ब. दंती दुर्ग जो कि एक राष्ट्रकूट शासन का मुखिया था उसने चालुक्य जो शासक था उसको पराजित किया और एक जो है रिचुअल जो जिसे हिरण्य गर्भ के नाम से जाना जाता था उसको संपादित किया. हिरण्य गर्भ का जो शाब्दिक अर्थ है उसका होता है गोल्डन बूम अर्थात सोने का गर्भ. इट वॉज डन इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म वंस आइडेंटिटी एज क्षत्रिय इवन इफ वन वॉज नॉट वन बाई बर्थ. भारतीय समाज में जो चार वर्ण माने गए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तो अगर कोई गैर क्षत्रिय वर्ग शासक बनता था तो वो अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने के लिए या क्षत्रिय बनाने के लिए या परिवर्तित करने के लिए ये कस्टम या रिचुअल संपादित किया करते थे. सम अदर लॉर्ड्स लाइक कदम्ब मयूर शर्मन एंड गुर्जर प्रतिहारा हरिश्चंद्र ब्राह्मणाज बाई बर्थ यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू एस्टेब्लिश देयर किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान. कुछ और शासक भी थे जैसे कि कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र ये भी ब्राह्मण थे बाई बर्थ ब्राह्मण थे लेकिन इनकी मिलिट्री स्किल्स जो थी वो आउटस्टैंडिंग थी और इन्होंने अपने आप को जो है कर्नाटका और राजस्थान में एस्टैब्लिश किया था. तो इसका अर्थ यहाँ है कि केवल क्षत्रिय वर्ग ही शासक वर्ग नहीं हुआ गैर क्षत्रिय वर्ग भी जो है वो अपनी मिलिट्री स्किल्स के चलते जो है सैन्य प्रतिभाओं के चलते उन्होंने अपने राजवंशों की स्थापना की. मैनी ऑफ दीज किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराजा दिराज ग्रेट किंग ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स त्रिभुवन चक्रवर्ती लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स दो दे शेयर्ड पावर विद देयर सामंता. जो हम बात कर चुके हैं कि इनमें से बहुत सारे जो शासक थे उन्होंने कुछ उच्च उपाधियां धारण की और अपने आप को जो है सामंतों के साथ पावर शेयर करते हुए पावरफुल बनाया. प्रोड्यूसर्स जो थे कैटल कीपर्स थे आर्टिजन्स था ये थे ये मैन फीडर्स थे इन स्टेट्स के अर्थात यही इनकी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे. और लैंड जो थी वैसे तो उन पे लॉर्ड्स का जो राइट हुआ करता था किंग्स का राइट होता था या सामंतों का राइट होता था. सो द प्रोड्यूसर्स वर कंपेल्ड टू पे रेंट टू द ओनर्स वेयर एज ट्रेडर्स वर टू पे रेवेन्यूज टू द लॉर्ड्स. तो अर्थात जो प्रोड्यूसर्स थे उनको भी रेंट देना होता था क्योंकि लैंड जो है लॉर्ड की मानी जाती थी राजा की या सामंत की होती थी तो उनको किराया चुकाना होता था और ट्रेडर्स को टैक्स पे करना होता था. दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द किंग्स कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स फोर्ट्स एंड आल्सो फॉर फाइटिंग वॉर्स व्हिच वर आल्सो डन टू एक्सपेंड रिसोर्सेज थ्रू प्लंडरिंग एक्वायरिंग लैंड एंड फाइंडिंग ट्रेड रूट्स. ये जो रिसोर्सेज थे ये राजाओं की जो बिल्डिंग्स थी टेंपल्स बनाना था या फोर्ट्स का जो कंस्ट्रक्शन था या युद्धों का जो खर्चा होता था उसको चलाने में काम आते थे. इसके अलावा जो रिसोर्सेज को और फैलाना जो कि युद्धों में लूट का जो माल आता था या लूट की जाती थी या फिर नई भूमियों को एक्वायर किया जाता था ट्रेड रूट मिलते थे और वहाँ से जो एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम डेवलप किए जाते थे. द रेवेन्यू फंक्शनरीज की हम बात कर चुके हैं कि इन प्रभावशाली परिवारों से भर्ती किए जाते थे और इनकी जो पोजीशन होती थी वो अक्सर हेरिडिटरी होती थी अर्थात वंशानुगत होती थी यानी पुत्र के बाद पुत्र जो है उस कार्य को संपादित करते थे. सिमिलर वॉज द केस विद आर्मी पोजिशंस सैन्य जो स्थितियाँ थी वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ माहौल था. इन मोस्ट केसेस सच पोस्ट वर हेल्ड बाय द क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग. ज्यादातर मामलों में ये जो ऐसे पोस्ट हुआ करती थी वो राजा के रिश्तेदारों को ही मिलती थी. प्रशस्तीज वर कंपोज जो कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखी जाती थी और ये राजा को बहादुर और योद्धा के रूप में घोषित करते थे. कलहन
की जो एक लंबी कविता है संस्कृत में रिकॉर्ड की गई है, उसमें हिस्ट्री ऑफ किंग्स जो कि कश्मीर के शासक हुए अर्थात कश्मीर के शासक है कलहण की जो है लिखी हुई पोइम जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। यूजुअली यूज्ड ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस डॉक्यूमेंट्स आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्ली हिस्ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रेजेंट हिज अकाउंट्स। कलहण ने जो है रास्तरंगिणी जो लिखी उसमें उसने अपने सोर्सेज के रूप में बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस थे अभिलेख थे डॉक्यूमेंट्स पत्र थे या पत्रावलियां थी जो आंखों देखे जो अकाउंट्स थे या फिर जो स्वरूप प्रारंभिक जो इतिहास पहले से लिखा हुआ था उन सब का सहारा लेते हुए कश्मीर का इतिहास लिखा है। रूलिंग डायनेस्टीज वर बेस्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन। कन्नौज वॉज एपराइज्ड एरिया इन द गंगा वैली। गंगा घाटी में एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान था या उपजाऊ स्थल हुआ करता था जिसके लिए हम बात कर ही चुके हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष हुआ गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच में। रूलर्स यूज्ड टू बिल्ड लार्ज टेम्पल्स बड़े बड़े मंदिर ये बनाया करते थे और यहाँ जो है इनको लैंड वो भी दिया करते थे। और बड़ी मजेदार बात थी कि इस अवधि में इन टेम्पल्स में इतना वेल्थ था कि इन्होंने आउटसाइडर्स इन्वेडर्स आए आक्रमणकारी आए उनको आकर्षित किया भारत की तरफ से भारत की तरफ और इन इन, इन आतंकियों का इन लुटेरे शासकों का जो है इनको आक्रमण झेलना पड़ा। सुल्तान महमूद गजनी ऑफ अफगानिस्तान 1997 टू 1030 जिसकी हम बात कर चुके हैं इसने अपना कंट्रोल जो है सेंट्रल एशिया ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में फैलाया और इसने बहुत सारे इंडिया के जो वेल्दी टेम्पल्स थे उन पर अटैक किया जिसमें हम बात कर चुके हैं कि गुजरात के सोमनाथ का आक्रमण काफी प्रसिद्ध रहा। अलबरूनी जो इसका इतिहासकार था उसने किताबुल हिंद के नाम से एक अपना हिस्ट्री अपना रिकॉर्ड लिखा है जो कि अरबी भाषा में अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। रिटर्न ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सुल्तान इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस ये इतिहासकारों के लिए एक प्रमुख स्रोत के इतिहास की जानकारियों के स्रोत के रूप में है। अलबरूनी ऑल्सो कंसल्टेड द संस्कृत स्कॉलर्स वाइल प्रिपेयरिंग दिस बुक। इस किताब की रचना करते समय अलबरूनी ने जो है संस्कृत के जो विद्वान थे उनको भी उनसे भी जानकारियां इकट्ठी की। ऐसे ही हम बात कर रहे थे तो चौहान शासकों की हमने बात करी जो दिल्ली और अजमेर के आसपास शासक कर रहे थे और उन्होंने जो अपना वेस्ट और ईस्ट की तरफ अपना शासन विस्तारित किया और इनकी जो लड़ाइयां हुई युद्ध हुए वो चालुक्य जो गुजरात के शासक थे और गहड़वाल जो उत्तर प्रदेश के थे उनके साथ इनका संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज तृतीय थर्ड की हम बात कर चुके हैं जो 1168 टू 1192 जिसने अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी को पानीपत तराइन सॉरी तराइन प्रथम के युद्ध में तो पराजित किया लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई युद्ध हुआ जिसमें जो है चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुआ। मुतरैयर द सबॉर्डिनेट्स टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। कावेरी रिवर का जो डेल्टा है वहां पर पल्लव डायनेस्टी का रूल था और यहाँ जो मुतरैयर थे जो कि सबॉर्डिनेट्स थे पल्लवा किंग्स के उन्होंने जो है पावर अपने हाथों में रखी और सत्ता पे अधिकार रखा। विजयालय जो कि चोला डायनेस्टी उरैयुर की थी उन्होंने डेल्टा जो मुतरैयर से ले लिया। मध्य 9th सेंचुरी के मिडल में जो है इन्होंने विजयालय जो था उसने डेल्टा का जो मुतरैयर थे उनसे शासन अपने कब्जे में ले लिया। द टाउन ऑफ तंजावुर एंड ए टेम्पल फॉर गॉडेस ऑफ निशुम बसुद्दीनी देर वर सम ऑफ हिज मेजर क्रिएशंस इस इनके द्वारा स्थापित की गई। ये तंजावुर का जो टाउन है वो इसका प्रमुख योगदान रहा और एक मंदिर था जो कि निशुम बसुद्दीनी गॉडेस है देवी है उसकी मंदिर बनाया इन्होंने। विजयालय सक्सेसर्स एक्सपेंडेड देयर किंगडम्स इन साइज एंड पावर एडिंग द पांड्यन एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ टू देयर किंगडम। विजयालय के जो सक्सेसर्स थे उत्तराधिकारी थे उन्होंने इस राजवंश को इस साम्राज्य को और फैलाया प्रसारित किया और दक्षिण में जो पांड्य राजवंश और पल्लवा टेरिटरीज थे उनको कैप्चर किया और नॉर्थ की तरफ भी अपने राज्य का विस्तार किया। राजराज फर्स्ट वॉज द मोस्ट फेमस एंड पावरफुल चोला रूलर हु बिकेम किंग इन 1985 एंड देयर आफ्टर एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज।
चोला डायनेस्टी की बात हम कर ही चुके हैं, वैसे तो रिवीजन यहाँ पर है कि 1985 में जो है वो राजा बना और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ही वॉज नॉन ऑल्सो फॉर इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एम्पायर, उसने अपने जो प्रशासन का पुनर्संगठन किया उसके लिए भी वो जाना जाता है। उसके पुत्र जो राजेंद्र फर्स्ट था उसने भी अपने पिता की तरह ही जो है साम्राज्य के गौरव को फैलाया बढ़ाया। तंजावुर और गंगाईकोंडा चोलपुरम की जो वहां के टेम्पल्स हैं वो आर्किटेक्चर स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं। द टेम्पल्स ऑफ चोलाज वर द न्यूक्लाई ऑफ सेटलमेंट दैट ग्रू अराउंड देम, दे वर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड वर ऑल्सो एंडोड विद लैंड बाई रूलर्स एज वेल एज अदर्स। चोला जो शासक थे, चोला किंग्स थे, उन्होंने जो टेम्पल्स बनाए वो सेटलमेंट्स उनके न्यूक्लियाई थे, वो उसके आसपास में जो है काफी बड़े बड़े सिटीज के जो है घटना हुई। इसके साथ ही ये जो है क्राफ्ट के सेंटर भी बने, क्राफ्ट प्रोडक्शन के केंद्र भी बने, अर्थात जो कला और बहुत सारे जो क्राफ्ट की जो वहाँ पर उत्पादन हुआ उनका प्रोडक्शन हुआ। और इन टेम्पल्स को जो है राजाओं के द्वारा या और अन्य लोगों के धनी लोगों के द्वारा जमीनें भी दान दी गई। द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड वॉज स्पेयर्ड टू मेंटेन द स्पेशलिस्ट वर्किंग एट द टेम्पल एंड यूजुअली लिव नियर इट। ये जो प्रोड्यूस होता था, ये इनको जो लैंड ग्रांट्स दी जाती थी टेम्पल्स को, और वहां से जो प्रोड्यूस प्राप्त होता था उससे मंदिरों का रख रखाव और यहाँ जो बहुत सारे स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ जो कार्य करते थे और आसपास में जो रहते थे उनका मेंटेनेंस खर्चा चलाया जाता था। देवर द प्रिस्ट, अब ये कौन लोग थे, तो पुजारी, गार्लैंड मेकर्स, माला मालाकार या माला बनाने वाले लोग, कुक्स यानी रसोइये, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर, तो इन सब का खर्चा जो है वे जो है वो लैंड से जो प्रोड्यूस प्राप्त होता था उससे चलाया जाता था। टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप बट दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशियल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। यहाँ जो मंदिर थे वो केवल पूजा के स्थल ही नहीं थे, ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी हुआ करते थे। द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ द डेइटीज वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव ऑफ द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स। ब्रॉन्ज की इमेजेस, स्टेचूज जो देवी देवताओं की बनाई गई, वो एक विशिष्टता है यहाँ की क्राफ्ट की, मंदिरों की क्राफ्ट की। और चोला के जो ब्रॉन्ज इमेजेस है, कांस्य की जो प्रतिमाएं हैं चोला डायनेस्टी की, वो आज भी वर्ल्ड में जो है बेस्ट मानी जाती है। एक आप यहाँ इमेज देख सकते हैं चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर की, तो ये कमाल का पीस है आर्ट एंड क्राफ्ट का। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड मच टू द अचीवमेंट्स ऑफ द चोला। चोला शासन का या शासकों का जो विकास हुआ उसमें एग्रीकल्चर, कृषि का योगदान बहुत ही अधिक रहा। ऑल दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन्ड अप फॉर द लार्ज स्केल कल्टिवेशन। हालांकि जो एग्रीकल्चर का तमिलनाडु रीजन में जो डेवलपमेंट या स्टार्टिंग हुई वो तो काफी पहले ही हो चुकी थी, 5th और 6th सेंचुरीज में जो है इस एरिया में कृषि का जो है काफी वृहद स्तर पे, बड़े लेवल पे जो है एक्सपेंशन हुआ। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम एरियाज व्हाइल लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन सम अदर रीजन्स। जंगलों को काटा गया, भूमि को समतल किया गया और कृषि योग्य बनाया गया, कल्टीवेशन के लिए तैयार किया गया। एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लड एंड कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स। इन मेनी एरियाज टू क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। पानी जो फ्लड्स का पानी आता था उसको रोकने के लिए जो है एम्बैंकमेंट्स बनाए गए और उसके अलावा कैनाल्स बनाए गए जहाँ से खेतों तक पानी ले जाया जाता था इरिगेशन के लिए। और कुछ एरियाज तो ऐसे भी थे जहाँ एक वर्ष में दो फसलें ली जाती थी, टू क्रॉप्स। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स लाइक डिगिंग ऑफ वेल्स, प्लेसिंग ह्यूज टैंक्स वर यूज फॉर इरिगेशन। सिंचाई के लिए कुएं खोदना और बड़े बड़े टैंक तैयार करना भी इनके द्वारा किया जाता था। एक 9th सेंचुरी का स्लुइस गेट है तमिलनाडु का जो दिया गया है यहाँ पर, जिसका इमेज दिया हुआ है। और ये जो है खास करके पानी के आउटफ्लो को, वाटर के आउटफ्लो जो कि टैंक से होता था उसको कंट्रोल करने में काम आता था। तो ये ट्रेडिशनली लकड़ी या मेटल का बना हुआ बैरियर हुआ करता था। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज द पीपल लिविंग इन विलेजेस वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर और इन एक्टिविटीज में बहुत सारे शासक और गांव वाले शामिल होते थे, पार्टिसिपेट करते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर वॉज ऑल्सो वेन ऑर्गेनाइज
जो चोला डायनेस्टी के जो प्रशासन था वो भी अच्छे से व्यवस्थित था, वेल ऑर्गेनाइज था, और द सेटलमेंट ऑफ पिजन्स ग्रू प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। कृषि और सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार के साथ ही जो किसानों के जो गांव थे या निवास थे जिसे उर कहा जाता था, काफी प्रॉस्परस हुए, समृद्धशाली हुए। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स और उर को मिलाकर के नाडू बनाए गए, नाडू कहलाते थे। ये बहुत सारे प्रशासनिक कार्यों को किया करते थे। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। जो केंद्रीय चोला प्रशासक होती थी या प्रशासन जो होता था उसके निर्देशन में या उसके सानिध्य में ही जो नाडू का प्रशासन है वो वेलाला कास्ट के जो किसान थे वो चलाया करते थे, धनी किसान। सम रिच लैंड ओनर्स वर ऑनर्ड विद द टाइटल्स लाइक वेंदावेलन, एवेलन और पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स, अरैयर, चीफ एटसेट्रा। जो धनी लैंड ओनर्स थे, भूमि मालिक थे, वो कुछ टाइटल्स धारण करते थे, कुछ उपाधियां ग्रहण करते थे, जैसा कि वेंदावेलन, वेलन और पीजेंट जो कि तीन राजाओं की सेवा करता था, अरैयर जिसका अर्थ होता था मुखिया आदि। एंड दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड विद इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। और कई बार इनको जो है केंद्र में या जो मुख्य प्रशासन था चोल राजवंश का वहां पर इनको अच्छे पद भी दिए जाते थे। एज ब्राह्मणाज ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स और ब्रह्म दे ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मणा सेटलमेंट्स इमर्ज इन कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ब्राह्मणों को जो कि ब्रह्म दे के रूप में लैंड ग्रांट्स प्राप्त होती थी वो भी काफी उनके सेटलमेंट जो हैं बने, जो खास करके जो है कावेरी वैली के अंदर देखने को मिलते हैं और दक्षिण भारत साउथ इंडिया के अन्य भागों में भी मिलते हैं। ईच ब्रह्मदेय वॉज लुक्ड आफ्टर बाई एन असेंबली और सभा। हर जो ब्रह्मदेय हुआ करता था वो उसकी देखभाल जो है एक असेंबली या सभा करती थी जो कि प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स की एक ग्रुप होता था, समूह होता था। द डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस ऑन द स्टोन ऑफ वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। और इनके जो निर्णय होते थे, डिसीजंस होते थे, उनको मंदिरों या की जो पत्थर की दीवारें बनी होती थी उनपे खोद करके लिखा जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। नगरम जो कि व्यापारियों का संघ हुआ करता था, ग्रुप संगठन होता था, वो भी कभी कभार प्रशासनिक कार्य करता था। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु टेल अस द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज। एक अभिलेख प्राप्त हुआ है तमिलनाडु के चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट के उत्तर मेरूर नामक स्थान से, जिससे कैसे सभा का संगठन किया जाता था उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। देर वर सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर डिफरेंट वर्क्स लाइक दैट ऑफ इरिगेशन टेम्पल्स एक्सेट्रा। और सभा के तहत बहुत सारी कमिटीज अलग अलग होती थी जो कि मंदिरों और सिंचाई के कार्यों की देखभाल किया करती थी। द एलोकेशन ऑफ वर्क वॉज डिसाइडेड थ्रू ए लॉटरी सिस्टम। और इनको जो कार्य का आवंटन होता था, एलोकेशन किया जाता था, वो लॉटरी से किया जाता था। तो ये थे फैक्ट्स चैप्टर के जो की फैक्ट्स थे उनकी बात हमने की यहाँ पर। और अब हम एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें जो है एक साइड के जो शासकों के डायनेस्टीज दी गई हैं उनको दूसरे उनके रीजन से कनेक्ट करना है या मैच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुर्जर प्रतिहार, देन राष्ट्रकूटाज, पालाज, चोलाज। तो आंसर इसके होंगे गुर्जर प्रतिहार जो है वो गुजरात और राजस्थान में इनके डायनेस्टी का रूल था। राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी उसका जो रूल था, उसका जो एरिया था, एम्पायर था, वो वेस्टर्न डेक्कन एरिया। पालाज जो थे वो बंगाल में थे, चोलाज जो थे वो तमिलनाडु रीजन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल है कहा जाता है, उसमें कौन कौन सी पार्टीज थी। तो द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल वर गुर्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज एंड पाला डायनेस्टीज। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू बिकम ए मेंबर ऑफ ए कमिटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर। चोला जो राजवंश था, शासन था, उसमें कमिटी सभा की किसी कमिटी का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए थी।
तो द वर्किंग ऑफ ए सभा अकॉर्डिंग टू द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो उसमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ द लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। अर्थात पहली कंडीशन तो ये थी उसकी क्वालिफिकेशन में कि जो भी सभा का मेंबर बनना चाहता है उसके पास लैंड, वो लैंड ओनर होना चाहिए, भूमि का मालिक होना चाहिए और भूमि भी ऐसी होनी चाहिए जहां से रेवेन्यू या राजस्व कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड कंडीशन क्वालिफिकेशन है दे शुड हैव देयर ओन होम्स, इनके खुद के घर होने चाहिए। थर्ड दे शुड बी बिटवीन 35 to 70 ईयर्स ऑफ एज, इनकी आयु जो है 35 से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। नेक्स्ट दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदाज, इनको वेदों की जानकारी या ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट इन ऑल डीलिंग्स, ये प्रशासनिक कार्यों में अच्छे से दक्ष होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए और साथ ही हर प्रकार से ईमानदार होने चाहिए। तो ये योग्यताएं थी सभा का सदस्य बनने के लिए। इसके अलावा और भी है, इफ एनीवन हैज बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, अगर कोई भी व्यक्ति पिछले 3 वर्षों में किसी कमेटी का मेंबर रहा हो तो वो फिर दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट एनीवन हु हैज नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एज वेल एज दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस। और इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जिसने अपना लेखा जोखा नहीं दिया है और अपने रिश्तेदारों का लेखा जोखा नहीं दिया वो इलेक्शंस में भाग नहीं ले सकता, अर्थात वो मेंबर होने की क्वालिफिकेशन नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाहमानास, चौहान डायनेस्टी या चाहमान डायनेस्टी जो थी उसके अंडर कंट्रोल में कौन कौन सी सिटीज थी, तो दिल्ली एंड अजमेर वर द टू सिटीज अंडर कंट्रोल ऑफ द चाहमानास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द राष्ट्रकूटाज बिकम पावरफुल, राष्ट्रकूट किस प्रकार से पावरफुल बने, तो राष्ट्रकूटाज बिकेम पावरफुल इन द फॉलोइंग मैनर, राष्ट्रकूटाज वर सबोर्डिनेट्स टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका के चालुक्य डायनेस्टी के सबोर्डिनेट्स थे। इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्ग ए राष्ट्रकूट चीफ ओवरथ्रू ही चालुक्या ओवरलॉर्ड, मिड 8th सेंचुरी में 8वीं सदी के मध्य में दंती दुर्ग नामक व्यक्ति ने जो कि राष्ट्रकूट मुखिया था उसने चालुक्य शासक को पराजित कर दिया। He performed a ritual called Hiranyagarbha with the help of Brahmanas. फिर उन्होंने ब्राह्मणों की सहायता से जो है हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया, जो है परंपरा का आयोजन किया दिस रिचुअल। और ये जो रिचुअल था जो हम बात कर चुके हैं कि जो नॉन ब्राह्मीण के नॉन क्षत्रिय कैटेगरी का व्यक्ति अगर वो शासक बनता है तो वो ये आयोजन करता था। What did the new dynasties do in gain to gain acceptance? लोग उसको स्वीकार, शासक के रूप में स्वीकार करें उस राजवंश को, इसके लिए जो ये डायनेस्टीज क्या किया करती थी। आंसर है द न्यू डायनेस्टीज गेन पावर एंड वेल्थ, देयर आफ्टर दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासामंताज और महामंडलेश्वरा, ये पावर और वेल्थ गेन करते थे, उसके बाद अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर दिया करते थे। मैनी ऑफ सच किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स, और इनमें से बहुत सारे शासक जो है उच्च उपाधियां जो है धारण करते थे, जैसे कि महाराजाधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती। They also deputed learned brahmanas to depict them as valiant victorious warriors. फिर बाद में इसके अलावा भी ये कुछ जो विद्वान ब्राह्मण लोग थे उनको डिपिक्ट करते थे और वो प्रशस्तियां तैयार करवाते थे जिनमें इनको बहादुर और विजेता योद्धा घोषित किया जाता था। इसके अलावा their activities were recorded in prasastis. They tried to demonstrate their power and resources by building large temples. और लोगों की सहानुभूति और लोगों में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए ये बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी कराया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन द तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो इरिगेशन के कौन से मेथड तैयार किए गए। लार्ज स्केल कल्टीवेशन वॉज डेवलप्ड इन तमिलनाडु एंड इन मेनी केसेस आर्टिफिशियल इरिगेशन बिकेम नेसेसरी, तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे एरियाज में जो है कल्टीवेशन के लिए बड़े मतलब कृषि का विस्तार हुआ और इसके लिए जो है कृत्रिम सिंचाई के साधनों की आवश्यकता पड़ी। वैरायटी ऑफ मेथड्स जो कि अलग अलग तरीके यूज किए गए वो थे, यहाँ पर कैनाल्स बनाई गई, कुएं खोदे गए और बड़े बड़े टैंक बनाए गए जो कि वर्षा के जल को रेन वाटर को कलेक्ट करते थे, तालाब जिनको हम बोल रहे हैं। ऑल दिस वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, इन कामों को करने के लिए
प्लानिंग की आवश्यकता थी और संगठन ऑर्गेनाइजेशन श्रम का संगठन और संसाधनों यानी धन की आवश्यकता होती थी। डिसीजंस वर टेकन कलेक्टिवली ऑन द यूसेज ऑफ वाटर, जल के उपयोग के लिए सामूहिक रूप से निर्णय किए जाते थे। न्यू रूलर्स एंड पीपल टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज, नए शासकों ने इनमें और कई लोगों ने इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल्स, चोला मंदिर जो थे उनके साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। स्प्लेंडिड, शानदार टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स ऑफ द चोलाज बनाई गई। राजा राजा एंड राजेंद्र बिल्ड बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलपुरम, दे आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स, ये शानदार मंदिर थे। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द सेंटर ऑफ सेटलमेंट्स अराउंड देम, ये जहां भी मंदिर बनाए गए उनके आसपास में जो है फिर आबादी का संग्रह हुआ, आबादी बहुत सारे लोग रहने लगे, घरों का निर्माण हुआ। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, और ये मंदिर जो थे ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के केंद्र भी बने। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाई बोथ रूलर्स एंड अदर्स, मंदिरों को जो है राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा, रूलर्स के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा भी काफी सारे लैंड और अन्य दान दिए जाते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट टू मेंटेन ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल्स एंड वेरी ऑफन लिव नियर इट, और ये जो मंदिर थे यहाँ पर बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट थे जैसे कि प्रिस्ट हैं, गार्लैंड मेकर्स हैं, माला बनाने वाले हैं, रसोई हैं, स्वीपर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स हैं, उनका खर्चा जो ये जो लैंड ग्रांट इनको मिलती थी, भूमिदान मिलता था, उसके उत्पादन से चलता था। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि टेम्पल्स जो थे वो केवल पूजा स्थल नहीं थे, दे वर नॉट ओनली प्लेसेज ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो द हब और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ, साथ ही सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के जीते जागते उदाहरण थे, उनके केंद्र थे बड़े बड़े। अमंगस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मंदिरों के साथ जो कलाएं जुड़ी हुई थी, क्राफ्ट जो जुड़ी हुई थी उसमें ब्रॉन्ज इमेजेस बनाने का काम सबसे महत्वपूर्ण था। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर अमंगस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, चोला जो ब्रॉन्ज इमेजेस बनाई गई वो विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती हैं। मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डीटीज, समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज ऑल्सो, वैसे तो सामान्यतः जो ये ब्रॉन्ज इमेजेस बनाई गई, कांस्य की जो इमेजेस बनाई गई ये देवी देवताओं की हुआ करती थी, पर कई बार जो है भक्तों की भी बनाई जाती थी। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिन जो चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किया है और की फैक्ट साथ में है। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन काफी उपयोगी है और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी जो इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करेगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग वीडियोज एट बोधिलता। थैंक यू वेरी मच।